वीडियो वायरल की है, जिस भी बंदे ने वायरल की है, ठीक है, उन्हें एडिट करके क्लिप भेजी है, ठीक है, पूरी वीडियो देखो, सीसीटीवी कैमरे चेक करो, सर कि काले दे अंदर आए, कि काले तो पढ़ाया, सारे बच्चों को चेक करो जी। मेडिकल करवाना सी उस टाइम कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है, उन्होंने पानी की बोतल वाले सानू यही मांगा कि साडे सर की सुनाई प्लानिंग नाल ओदी एडिटिंग हो के ओदी वीडियो बना के ओनु हरास किया जा रहा है। इथे सब तो पहले मुद्दा चलिया सी ड्रग्स दा, जिदी मैं जिम्मेवारी नाल एक कार्रवाई करवाने की कोशिश करवाई सी। मैं मेरे को बतौर एन जी ओ की रिपोर्ट सी, इन्होंने टीचर ने प्रोफेसर ने रल के प्रशासन इन्हे साढ़े प्रोफेसर रल के ओ एस डी के नाल उन्होंने सीसी टीवी कैमरे की फुटेज डिसमेंटल करवाइया, रूल्स डिसमेंटल करवाए और कोई कार्रवाई नहीं होने दी ड्रग्स के मामले पर। बीते दिनों पठानकोट के जी एन डी यू कॉलेज के प्रोफेसर की वीडियो खूब वायरल हो रही थी, जिसमें वह शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे। वीडियो देखते ही देखते इतनी वायरल हो गई कि विभाग की ओर से उक्त प्रोफेसर को सस्पेंड तक कर दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों की तरफ से आज कॉलेज परिसर में वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए प्रोफेसर के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए छात्रों ने बताया कि उनके प्रोफेसर की कोई भी गलती नहीं है, वे क्लास के बच्चों को एक्टिंग करके बता रहे थे, वे बेहद शरीफ इंसान है, उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनकी मांग है कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने प्रोफेसरों के गुट बनाए हुए हैं, इसलिए प्रोफेसर को फंसाया जा रहा है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए सभी विद्यार्थियों की ओर से उनके हक में रोष प्रदर्शन किया गया और कॉलेज के आगे मांग की गई कि प्रोफेसर को सस्पेंड ना किया जाए, उनको बहाल कर दोबारा ज्वाइन करवाया जाए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस का अमला भी इस मौके पर कॉलेज परिसर में मौजूद रहा। एसडीएम कालाराम कांसल ने कहा कि आज बच्चों की ओर से यहां पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा था, आज इसलिए वह मौके पर आए थे। जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी। पीआरटी न्यूज नेटवर्क के लिए पठानकोट से लक्की सरोज की रिपोर्ट। मेरा नाम जी मोहित कुमार है जी, मैं बीए सेकंड ईयर जिथे पढ़ता जी, ठीक है जी। ये मुंडिया ने सारिया ने जिनी कॉलेज के मुंडिया ने जिन्ना भी धरना लाया है सच के खिलाफ लाया, साडा किसी टीचर ना कोई संबंध नहीं है, किसी ना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप सच के नाल चलना, ठीक है जी। जे वीडियो वायरल की है, जिस भी बंदे ने वायरल की है, ठीक है, उन्हें एडिट करके क्लिप भेजी है, ठीक है, पूरी वीडियो देखो, सीसीटीवी कैमरे चेक करो, सर कि काले के अंदर आए, कि काले तो पढ़ाया, सारे बच्चों को चेक करो जी, ठीक है, पूरी डोप टेस्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। नाल दूजी गल मैं रखता जी, मैं वॉलीबॉल प्लेयर हाँ जी, मैं दो टाइम स्टेट चैंपियन हाँ, ठीक है। आ पिछे ग्राउंड का हाल देख लो तुसी, ठीक है, ग्राउंड च काई काया, कोई नट नहीं आ, कोई फैसिलिटी नहीं देंदे स्पोर्ट्स की, ठीक है, वाटर कूलर पानी वाला गंदा पिया, बाथरूम चेक करो, स्टाफ का बाथरूम बहुत क्लीन आ, बच्चों के बाथरूम गंदे आ, इतने अनहाइजीन काम कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। यूथ फैसटिवल किस लिए कर रहे हैं, इन्ना पैसा आ रहा इन्हों, इन्ना इन्ना साढ़े चो फंड कट रहा, इन्नी फीस चाहे फंड कट रहे, ठीक है, एक वॉलीबॉल की ग्राउंड नहीं बना सकते, कोई स्पोर्ट्स का कोई काम नहीं कर रहे, फिर कहते हैं यूनिवर्सिटियों चो मैडल लैके आओ, कितों अगे प्लेयर जाएंगे, ठीक है, करप्टिड एरिया सारा ही करप्टिड कर रहा, नहीं नहीं सर नहीं, बहुत वधिया तरीका उन्होंने पढ़ाने का, ठीक है, ड्रिंक नहीं करते सर, उन्होंने रेस्टिकेट तो करो जे वो प्रूफ आए, ठीक है, पूरी वीडियो देखो, चलते किदा गए, आते किदा गए, बच्चों तो पुछो किदा पढ़ा रहे हो किदा नहीं, ठीक है जी, बस मेरी ये मांग है जी, पूरी वीडियो सामने आनी चाहिए है, ठीक है, तो फिर एक्शन लो, इदा एक्शन लैन का कोई फायदा नहीं है। सच्चाई है तो की गलबात है, साडी डिमांड है हैगी आ कि जे एक इन्होंने इल्जाम लाया वा कि वो ड्रिंक करके क्लास च गए, उन्होंने जो भी हरकत की जो वीडियो च वायरल होया वा, तो जो सच हैगा ही तो यदि इंक्वायरी क्यों नहीं, उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं किया गया, या उन्होंने प्रिंसीपल सर मैम नूं क्यों नहीं कहा, ठीक है, तो सीधा उन्होंने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं चैक किए गए कि यह सच है या नहीं हैगा, सीधा उन्होंने उन्होंने कड़ता इन्होंने कॉलेज चो क्यों क्यों कढ़िया उन्होंने प्रोफेसर का जरा कॉलेज व्यवहार कहो जहा बहुत सही है सर, बहुत वधिया, बहुत वधिया सर, बहुत वधिया गए, इन्ने साल हो गए उन्होंने शुरू इस कॉलेज चे, इन्ना वधिया बिहेवियर उन्हां दा, किसी नूं चंगी माड़ी नहीं, कोई ड्रिंक करने की शिकायत नहीं, नहीं उन्होंने कभी नहीं की, नहीं सर बिल्कुल नहीं, जदों मर्जी टेस्ट कीते जावे, जदों मर्जी, जदों मर्जी, वो बस एंटरटेनमेंट वास्ते करदे, उन्हां दा अपना बोलदा ही इक, उन्हां दा अपना यूट्यूब चैनल भी हैगा, मेरे पिंड दे सर ने और पिंड ते भी पीपल दे टाले हेठ बह के वीडियो बनांदे आ, गाने गुने गांदे आ, मनोरंजन एंटरटेनमेंट करदे ने, बहुत वधिया सर ने, जिहड़ी मर्जी कास्ट दा हर बच्चे दी हेल्प करदे सर, ते जिहड़े कॉलेज विच पढ़ाई पढ़ूई कि सर बहुत वधिया, बहुत वधिया,
बड़ी ही छोटा मुद्दा है, इस तो भी बड़े संगीन मुद्दे इत्थे हो चुके ने। मैं सारे पंजाब दे विच पंजाब दी जनता नूं रूबरू करावांगा इस मसले दे विच कि देखो यह कॉलेज जिहड़ा है यह गौरमेंट कॉलेज है। गौरमेंट कॉलेज ओपनड अंडर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान जिन्हों रूसा कहा जाता है, प्रधानमंत्री मानयोग प्रधानमंत्री की स्कीम के अंडर बनया गया सी है। और यह कॉलेज दे विच जिहड़ा प्रशासन है जिहड़ी जिम्मेवारी है वह रूसा की है। यूनिवर्सिटी इस दा हक जमा के बैठी है और गौरमेंट नूं यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं सियांदी और यूनिवर्सिटी की पूरी इंटरफेरेंस है इस कॉलेज दे विच एडमिनिस्ट्रेशन चलाउण दे विच। और जिहड़े कि इंपलॉयज़ ने जिहड़े कि हाई कोर्ट के थ्रू इत्थे काम कर रहे हैं उन्होंने नाल इत्थे धक्का शुरू तो हो रहा सीगा और हो रहा है, जिदा नमूना तुहानू दिखिया है। तो एक लाइमलाइट विच आ गई है गल, तो तुहानू यह मुद्दा नज़र आया, तुहानू शायद नहीं पता कि इत्थे किन्ने संगीन मुद्दे हो चुके ने पंजाब दे विच जिन्हां नू मैं सुर्खियां च लिआंदा सी। पहले इत्थे सब तो पहले मुद्दा चलिया सी ड्रग्स का,
जिदी मैं जिम्मेवारी नाल एक कार्रवाई करवाने की कोशिश करवाई सी। मैं मेरे को बतौर NGO की रिपोर्ट सीगियाँ, इन्होंने टीचर ने प्रोफेसर ने रल के प्रशासन इन्हे साढ़े प्रोफेसर रल के OSD के नाल उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज डिसमेंटल करवाइया, प्रूफ डिसमेंटल करवाए और कोई कार्रवाई नहीं होने दी ड्रग्स के मामले से। और प्रूफ NGO की रिपोर्ट सीगियाँ, मेरे क्लास से संगीन जी वारदात हुई सी उदा मैं चशमदीद गवाह हाँ। इन्होंने मैं प्रशासन को FIR कराने की दरखास्त की, उन्होंने उसले OSD का बड़ा इन्फ्लुएंस सीगा राकेश मोहन का, उन्हें FIR नहीं होने दी और साड़ी कोई चलन नहीं दी। जो इन्हों पता लग्या कि यह बंदा मतलब एक्टिव है हो गया, यह बंदा गलत काम साढ़े काम रोक रहा है, इन्हों बर्दाश्त नहीं होया, इन्होंने ग्राउंड्स बनाने शुरू करती और इन्होंने बड़ा मोटा चिट्ठा बनाया कि अमित अग्रवाल इस कॉलेज के बड़ा ना दिता जाए। मैं वो कंप्लेंट DSP मनहास में देन गया, उन्होंने रादर मैनू कहता कि मैं तेरी FIR कर देनी है जे तू मेरे को आया। दैट वॉज हिज वर्डिंग्स एट दैट टाइम। DSP मनहास, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रशासन के उत्ते कि भारी इन्होंने कंट्रोल बना लिया। मेरे को मैं पूरा कला फाइट किया, प्रशासन नू मैं अवेयर किया कि मैं खुद सर्विसिज के बच्चा, मैं नहीं टॉलरेट कराँगा कि कोई भी इनजस्टिस होए किसी नाल, क्योंकि जे मेरे नाल हो रहा तो किसी नाल भी हो सकता, मैं नहीं टॉलरेट कराँगा कोई भी गलत काम होए गवर्नमेंट इंपलॉई के नाल। आई रिप्रजेंट अ गवर्नमेंट एंड वैन आई एम अ गवर्नमेंट इंपलॉई तो किसी नाल भी धक्का हो सकता। इस मेरी तनखा इन्होंने एक महीना बर्ताव की, मैं वो दरखास्त SSP साहब दी कि मेरी तनखा क्यों इन्होंने डकी है ऑन वट ग्राउंड, तो इन्होंने तनखा मेरी खाधी, मिस मैनुपलेट किया इन्होंने मेरे सैलरी अकाउंट में, हले कोई कार्रवाई नहीं हुई। SSP साहब न मैं कंप्लेट दी हुई है। इन्हों मैं जो इन्हों पता लग गया अमित अग्रवाल इज फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, इन्होंने मैं मतलब पूरी कोशिश की सिस्टम रूट आउट करने की। इन्होंने मेरे ते इल्जाम की सीगा जिहड़ा मैनू कढ़िया, मैनू तो समझ नहीं आई मेरे ते इल्जाम की सीगा, मेरी की चार्जशीट सी, मेरे की टर्मीनेशन ऑर्डर है, नथिंग। इन्होंने मैनू मतलब सिस्टम नाल रला के मैनू कॉलेज नहीं आन दिता। यह पहली इंसीडेंट हुई, इन्होंने संदीप कौर नू, मैडम संदीप कौर नू इनजस्टिस किया, इन्होंने उन्होंने भी कढ़िया, ठीक है ऑन दिस ग्राउंड की वो शिवाज SC कैटेगरी नू बिलोंग करती सी, मैं वाह चुकी। इन्होंने मैडम सुमन नाल भी धक्का किया जड़ा कि SC का पिछे मुद्दा उठाया सीगा। यह लगातार विक्टमाइजेशन हो रही है इतने प्रोफेसरां नाल, लगातार इन्हों का मतलब शोषण हो रहा है, लगातार इन्हों कढ़िया जा रहा ऑन फॉल्स ग्राउंड। और जबकि 4 इंपलॉई इन्होंने गेटकीपर भी कढ़े जड़े ड्रग्स नू रोकते सीगे। अज मैं माफ़ी चाहना, यह प्रश्न पूछना चाहना पंजाब के लोगों को, अपने पठानकोट के वासियों कि सानू बहुत दुख होया कि यह सैन देखने मिल रहा कि प्रोफेसर शराब पी के क्लास के आ रहा, जबकि वह महत्तर बंदा बेचारा शरीफ बंदा, वो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ही वॉज जस्ट एक्टिंग, ही वॉज डूइंग एक्टिंग। एक प्रोफेसर जो क्लास लैंदा ना वो अपने मूड में होंदा, वो कुछ भी करता है। प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग करना बहुत गलत गल है, उदे ते इल्जाम लगाया जा रहा कि वह शराब पी के। हुण पठानकोट की क्वेश्चन, पठानकोट के लोगों मैं पूछदा जदों ड्रग्स का मुद्दा इतने उठाया सी तुसी क्यों नहीं आवाज चुकी, तुसी क्यों नहीं मेरे नाल खड़े होए? ही वॉज टेकिंग अ क्लास, उन्होंने बयान है प्रोफेसर साहबान का कि मैं उन्होंने यह कहा कि जिंदगी जिहड़ा काम करना ना शिद्दत नाल करो, मेहनत करो, कोई भी काम करो, इट शुड बी एग्जाम्पल चाहे कोई भी होए। तो बच्चों ने पूछा होना कि सर तुहाडी की हॉबी है, उन्होंने कहा मेरी हॉबी एक्टिंग करना, उन्होंने एक्टिंग करके दिखाती। सो यह कन्वर्सेशन तो स्टूडेंट्स के विच होंदी है, अजी क्लास के विच इन्ना कुछ करीदा। मैं हूँ ड्रामाटिस्ट एंड लिटरेचर का, तो इसे ड्रामे भी करते हैं क्लास के, एक्टिंग भी करते हैं क्योंकि वो थिएटर विच जो असं काम कर रहे हैं असं इनैक्ट करते हैं। तो प्रोफेसर हैज़ डन नथिंग रोंग, उन्हें कोई बेचारे ने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ गलत उदों होंदा जे उहदे हाथ विच कोई न्यूसेंस होंगी, गलत उदों होंदा जे वह शराब की कंडीशन के पाया जाता, वैन ही वॉज एक्टिंग कैन एनीवन कैन डू, ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। इट इज़ नॉट दैट आई एम डिफेंडिंग दैट प्रोफेसर, आई एम जस्ट टैलिंग यू वट हैपनड एक्चुअली। आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट प्रोफेसर, आई एम टैलिंग यू द रियलिटी कि एक्टिंग तो कोई भी कर सकता। पढ़ाते एक प्रोफेसर अपनी मौज में आया पढ़ा रहा अपने, मैं हूँ क्लास में लव तो मैं कई एग्जाम्पल्स देना, कई इलस्ट्रेशन देना। यही है कि प्रोफेसर को क्या यही नशे के ऊपर एक्ट करना जरूरी, कोई और भी एक्ट करके दस सकते कहने का भाव नहीं। देखो ए एक इंसीडेंट होगी कि उन्होंने मतलब एग्जाम्पल दिता क्योंकि वो बड़ी एक्टिंग करते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल देती, अदरवाइज आ मुद्दा बन गया। मुद्दा क्यों बनया? क्योंकि फॉल्स रिकॉर्डिंग हुई है, उन्होंने एडिट किया गया और यह भी प्लैन है, प्लानिंग नाल ओदी एडिटिंग हो के ओदी वीडियो बना के ओनू हरास किया जा रहा है। जिम्मेवार एक कॉलेज के कुछ लोग ने जेडे कि जिन्हों कहते नोटोरियस एंड एलीमेंट्स जिन्हों कहते हैं, जेडे कि किसी काम कर नहीं देंगे,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਘੜਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ, ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਂਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਉਵੇਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।